हूँ आरजे और आज हम बात कर रहे हैं स्वर्ण चंपा अथवा सोन चंपा के बारे में। यह एक मेडिसिन प्लांट है तथा इसका रिलीजियस पर्पज से भी यूज किया जाता है। इसकी लकड़ी धर्म में यूज की जाती है। यह एक बहुत ही सुगंधित पौधा है जो आपके गार्डन को महका के रख देगा। आइए हम बात करते हैं इसके बारे में। सोन चंपा, सोन चंपा इस कई नामों से जाना जाता है, जैसे स्वर्ण चंपा, सोन चंपा, मैग्नोलिया, मैकेलिया। इसकी उत्पत्ति वैसे हिमालय से मानी जाती है। हिमालयी क्षेत्रों में यह पौधा पाया जाता है, इसलिए केवल चाइना एंड इंडिया में यह पौधा मिलता है। आइए अब हम बात करते हैं इसके नाम के बारे में। सोन चंपा, जैसे इन नाम से भी देते हैं सोन चंपा, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे किसी मिठाई का नाम है। सो उसके अकॉर्डिंग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। वैसे इसका नेचर है मधुर। इसकी जो सुगंध होती है फ्लावर्स की, वो बहुत ही भीनी भीनी मधुर टाइप की होती है। इसमें इंसेक्ट्स लगने का डर रहता है, इसलिए हमें इसमें बोरिक एसिड का यूज करना चाहिए ताकि इसमें इंसेक्ट्स नहीं लगे। चींटियों को यह पौधा खासकर पसंद होता है, इसलिए चींटी डर से हमें इसमें बोरिक एसिड का यूज़ करना चाहिए। आइए हम बात करते हैं अब इसकी ग्राफ्टिंग एरिया के बारे में। देखिए फ्रेंड, ये इसका ग्राफ्टिंग एरिया है। ग्राफ्टेड इसलिए तैयार किया जाता है क्योंकि नॉर्मल पौधा 40 से 50 फीट बड़ा होता है और उसको फ्लेवरिंग देने में 6 से 7 साल का टाइम लग जाता है। इसलिए इसको ग्राफ्टेड किया जाता है ताकि ये 3 से 4 महीने में फ्लावर आसानी से दे सकें। आइए अब मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका ग्राफ्टेड एरिया है। यहाँ से इससे पर ग्राफ्टेड एरिया तैयार किया गया है। और ग्राफ्टेड एरिया के नीचे अगर कोई भी रूट्स निकलती है तो उसको हमें हटा देना है, और ग्राफ्टेड एरिया से ऊपर अगर रूट्स निकल रही है तो उसे उगने देना है। ग्राफ्टेड एरिया से नीचे जो रूट निकलेगी वो लोकल सोन चंपा की होगी जो इसकी ग्रोथ को रोक देगी। अब हम बात करते हैं इसमें फर्टिलाइज़र केमिकल डालना चाहिए या ऑर्गेनिक। वैसे तो फ्रेंड मैं सजेस्ट कर चाहता हूँ कि इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में जैन फर्टिलाइज़र एंड बर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए जो इसकी ग्रोथ को प्रॉपर रखता है। और वैसे अगर इसमें पत्ते इसके अगर पीले पड़ जाएं तो इसमें हम केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र में NPK 10-10-10 का यूज़ करना चाहिए। NPK 19-19-19 और NPK 20-20 के यूज़ करने से ये पौधा जल सकता है, क्योंकि वो हाई डोज वाली होती है। NPK 10-10 इस पौधे की ग्रोथ के लिए बेस्ट रहता है। सोन चंपा 3 वैरायटी या कलर में उपलब्ध है। पहला है इसमें गोल्डन या केसरिया कलर जो मेरे पास है। देखिए फ्रेंड, ये गोल्डन या केसरिया कलर है, थोड़ा येलो टाइप का होता है। दूसरा इसमें वाइट होता है। तीसरा इसमें पर्पल टाइप का होता है। मेरे पास फिलहाल केसरिया कलर का प्लांट उपलब्ध है और इस प्लांट को मीडियम पानी की ज़रूरत होती है। इस हमें पोर्ट इस टाइप का लेना चाहिए, उसमें ड्रेन सिस्टम अच्छा हो ताकि पानी इकट्ठा नहीं हो पाए नीचे और इसको पानी इजीली से ग्रोथ कर सके। और इसको लगाने के लिए हमें 60-70% नर्सरी सैंड का उपयोग करना चाहिए, 20% गार्डन सैंड का एंड 10% रेत का उपयोग करना चाहिए। हमें अच्छी ग्रोथ के लिए इसमें हर 15 दिन में काउ डंग का यूज करना चाहिए ताकि इसकी ग्रोथ प्रॉपर चलती रहे। मैं आपको इसकी फास्ट ग्रोथ के लिए एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहता हूँ। सीविड नाम का लिक्विड फर्टिलाइज़र आता है जिसका उपयोग करने से इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है। मैंने उसी का उपयोग किया तो इसकी ग्रोथ देखिए फ्रेंड काफ़ी तेज़ गति से हुई है। इस प्लांट में हमें नीम पेस्टिसाइड का भी उपयोग करता रहना चाहिए। नीम पेस्टिसाइड से इसमें फंगस, कीड़े, चींटियाँ, मक्खियाँ आदि चीज़ें नहीं लगती।
को हमें बिग पॉट में लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत, इसकी रूट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और इस ये कम से कम 10 से 15 फीट तक बड़ा होता है, इसलिए हमें इसमें बिग पॉट में लगाना चाहिए। अगर फ्रेंड मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। मैं और आगे नए वीडियो बना के आपको नई नई प्लांट्स से रूबरू कराता रहूँगा। धन्यवाद।